सबको मेरा नमस्कार। आज सच में एक बहुत ही सुहागनी सुबह है और जिस सुबह में तहसीलदार साहब सुबह सुबह अपनी वॉक के बाद यहाँ पहुँच रहे हैं, तो देखिए आपके रिस्पेक्ट क्या है। जिस सुबह में SHO साहब कल यहाँ से कठुआ जाके कठुआ से वापस आके इतने थके हारे आते हुए भी उनके फेस पे जो फ्रेशनेस है वो आप लोगों के लिए है। ये सुबह जब हम कॉलेज शुरू होने से पहले आप तक यहाँ पे पहुँचे हैं सुबह सुबह ताकि आपको प्रोत्साहन करें, ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। मैं सुदेश कुमार तहसीलदार बनी जी को नमस्कार करती हूँ कि वो अपना सारा कीमती समय छोड़ के वो यहाँ पे आए। इनफैक्ट वो यहाँ पे कुछ सिग्नेचर्स भी कर रहे थे तो उनका इतना बिजी शेड्यूल है। अर्जुन जी के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, एंड डियर अर्जुन आपको यूनिफॉर्म में देख के इट्स लाइक अ मदरली फीलिंग टू मी। जितना एक माँ को गर्व हो सकता है कि वो अपने बच्चे को स्टार्स में देखे, दैट फीलिंग्स आई हैव फॉर यू। नरेश कुमार रेंज ऑफिसर, आप हमेशा प्रोत्साहित करते हैं हमें ताकि हम और पेड़ पौधे लगाएं और बनी को और खूबसूरत बनाएं। और सुशील सिंह जी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बनी, आपका भी तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। भारत स्पोर्ट्स क्लब अब मेरे दिल के बहुत करीब हो गया है क्योंकि स्पोर्ट्स नाम के बावजूद ये जो स्पोर्ट्समैनशिप जो है ये दर्शाता है इनका सोसाइटी और कम्युनिटी की तरफ ये जो कर रहे हैं। आप बच्चियां जो यहाँ पे बैठी हैं आपके लिए हम यहाँ पे बैठे हैं। यहाँ का मीडिया, मोतीलाल जी मैंने हमेशा इनको इनकी लेखनी इनकी वीडियोस और इनकी उन चीज़ों से पहचाना, फर्स्ट टाइम मैं इनको यहाँ पे देख रही हूँ। सो इंसान जो है कहते हैं कतनी से करनी जो है वो ज़्यादा अच्छी है। सो जितने भी सरपंच यहाँ पे बैठे हैं तो आप खुद देखिए यहाँ पे एक परिवार वो है जो हम यहाँ के नहीं हैं, हम बाहर के हैं और हम यहाँ पे एक फैमिली की तरह, सारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमें यहाँ पे भेजा गया है, सो एक परिवार की तरह हम यहाँ पे आपके लिए हैं। यहाँ के जो क्रीम ऑफ सोसाइटी, यहाँ के सरपंचेस हैं, यहाँ के टीचर्स हैं और वो आपके साथ हैं। और कहते हैं जिस जगह पे मीडिया हो उस जगह को कहते हैं ऊंचाई तक पहुँचाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। तो इतने सब लोग जो हैं आप बच्चों के लिए यहाँ पे हैं, सो बेटियाँ अपनी किस्मत लिखवा के लाती हैं, सिर्फ उनको पहचानना है अपने आप को। जैसे कि आज ये दौड़ आपने लगाई, ये दौड़ यहाँ पे फिजिकल दौड़ नहीं थी, ये कॉग्निटिव प्रोसेस की दौड़ थी, ये मेंटल और स्पिरिचुअल दौड़ थी, ये एक इमोशनल दौड़ थी कि आप भी कुछ कर सकती हैं बिना शर्माए हुए, बिना कुछ किए हुए। आज आप में से कुछ को मेडल मिलेंगे, कुछ को नहीं मिलेंगे, लेकिन आज आपके चेहरे हमारे साथ जा रहे हैं। इसी के साथ मैं आपको ये बात कहना चाहती हूँ कि बेटियाँ बिल्कुल किसी से कम नहीं हैं। मैं अपनी बात आपसे करूँ, मेरा एक ब्रदर है और मैं हूँ। जब मेरे फादर जो हैं, जब उनको पैरालिसिस हुआ, मुझे नहीं लगता कि अगर वो 2 घंटे खड़ा रहा तो मैं भी 2 घंटे खड़ी रही, अगर वो हॉस्पिटल में 4 दिन रहा तो मैं भी 4 दिन रही। और उसके बावजूद मुझे लगता है कि बेटियाँ ज़्यादा इमोशनल होती हैं। जब उनकी क्रिमेशन हुई मैं वहाँ पर बैठना चाहती थी, मैं चाहती थी, लेकिन दुनियादारी के लिए आपको वहाँ से निकलना पड़ता है, समाज को भी देखना पड़ता है। जैसे ही हम लोग वहाँ से हटे मैं वापस उस जगह पर पहुँची, छन्नी हिम्मत के उस क्रिमेशन ग्राउंड में मैं वहाँ पर पहुँची। जो वहाँ के क्रिमेशन ग्राउंड के जो लोग थे उन्होंने मुझे बोला, वो आने नहीं देते, बोला क्या बात है। मैंने कहा मेरे पापा। मैं वहाँ 3 दिन तक बैठी रही, रात को 12 बजे वो मुझे वहाँ से निकाल देते थे कि मैडम हमारा भी यहाँ पे कोई डिसिप्लिन है, आप जाइए। और उन 3 दिनों में मैंने ये सोचा कि अपने फादर का लॉस मैं कैसे बर्दाश्त कर पाऊँगी, तो मैंने अपने फादर का नाम अपने नाम के साथ जोड़ा। मैं कोई भी ट्रॉफी आज की डेट में डॉक्टर मनीषा स्वरूप कोहली के बगैर नहीं लेती। अगर मनीषा कोहली लिखा होता है तो मैं उसको वापस लौटा देती हूँ एक निवेदन के साथ कि प्लीज़ मेरे पापा का नाम। तो उससे क्या है कि मेरे इन मामूली से जो कंधे हैं इनके ऊपर उनका बोझ है, सो मैं कभी भी उनका सिर नीचे नहीं झुकाने दूंगी। और मैं चाहती हूँ हर बच्ची ऐसा करे, बच्चियाँ कम नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।